और खोला जिगर पिया, मगर मगर माता जी की यह अवस्था देखकर फिर चाक हो गया और चला गया डॉक्टर, चाक हो गया। मेरी उपस्थिति में माता जी को इसका आधार, मेरी जिंदगी पर लाख लानत और धिक्कार। माता जी, आपका लक्ष्मण आपके चरणों पे निसार है, अगर नहीं बोलती तो ये लीजिए, लक्ष्मण आपसे पहले मरने को तैयार है। लक्ष्मण जरा होश करो, इस कायरता के क्या अर्थ है? नहीं बेटा, मैं अच्छी हूँ, यूं ही चक्कर आ गया। अजय मंदिर है कि जब रामचंद्र हर तरह से राज का हकदार है तो इसमें किसी दूसरे का क्या अधिकार है? रोने और गिड़गिड़ाने से राज नहीं मिलता, अगर किसी में ताकत है मुकाबले पर आए, अपने दो देखे और हमारे दो देखे, ताकि राज करने का कुछ मजा आए। मैं किसी की दाल इस पानी में बिल्कुल कर लेना दूंगा और ऐसी बेईमानी कभी चल लेना दूंगा। प्यारे लक्ष्मण, मुझे सख्त अफसोस है कि तुम्हारी तबीयत में इस कदर क्यों जोश है। जरा सोचो तो, किसके हाथ देखोगे और किसको हाथ दिखाओगे? बगैर सोचे समझे मुंह से बात निकालते हो और व्यथा ही अपने आप को पाप में डालते हो। मालूम नहीं कि तुम क्या ख्याल कर रहे हो और किसके लिए ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। तमाम कुल का नाश हो रहा है, जिसे देख मेरा कलेजा पाश पाश हो रहा है। उधर पिताजी की हालत बद से बदतर होती जा रही है और उधर माता जी अलग जान खो रही हैं और सीता बिचारी अलग रो रही है और न मालूम आपको कौन सा चाव चढ़ रहा है, उल्टा मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हारा गुस्सा बेफायदा है। अच्छा अच्छा, यूं ही है, यूं ही सही। इस तरह सारे कुल का मलिया मेट करके भरत अवश्य राज कर लेगा और सूर्यवंशी का मुकुट अपने सर पे धर लेगा। यद्यपि धर्म और न्याय इसी का नाम है, तो मैं भी अगर एक एक को राज करने का मजा न चखा दूं तो माता सुमित्रा का दूध एक बार नहीं लाख बार हराम है। मेरे भाई, जरा गुस्से को दिल से निकालो और बात के हर पहलू पर अच्छी तरह से नजर डालो। इसमें भरत बिचारे का भला क्या कसूर है? वो बिचारा तो यहां से काफी कोसों दूर है। तुम बार बार क्यों उसका नाम ले रहे हो और खामोखा उसे दोष दे रहे हो? माता ककई का तो बहाना है, वरना दरअसल तो ये हमारी आजमाइश का जमाना है। मगर अफसोस कि तुम मामूली सी आजमाइश में डगमगा गए और थोड़ी बात पर इस कदर घबरा गए। बहुत अच्छा, अगर रघुकुल की यही रस्म है तो अयोध्या में रहना मेरे लिए भी कसम है। जीते जी आपका साथ नहीं छोड़ सकता और किसी अवस्था में भी आपकी रिफाकत से मुंह नहीं मोड़ सकता। यदि
तुम भी साथ जाओगे तो भरत का क्या हाल होगा? लक्ष्मण से यह कैसा सवाल? इस अवस्था में उसका जिंदा रहना बिल्कुल दुश्वार है। लक्ष्मण उससे पहले जान देने को तैयार है। तुम्हारी इस जिद से कुल बिल्कुल बेचराग हो जाएगा। कसम खाई है बस मैंने तुम्हारे साथ जाने की, हटा सकती नहीं मुझको कोई ताकत समाने की। कसम शिरोधार्य है, मगर अयोध्या में रुकना लक्ष्मण के लिए असमर्थ है। मैं किसी अवस्था में भी इस जगह पर नहीं रुक सकता और हरगिज आपकी जुदाई का सदमा नहीं सह सकता। अगर आप मुझको यहां छोड़ जाएंगे तो शरीर तो यहां रह जाएगा मगर प्राण आपके साथ जाएंगे। शाबाश बेटा, शाबाश। आज तूने मेरे दूध का हर्ष दे दिया। मेरे कुलभूषण, यद्यपि तेरा वियोग मेरे लिए महान कष्ट है, परंतु इस अवस्था में भी
मेरी आत्मा संतुष्ट है। यदि आवश्यकता हो तो अपनी जान पर खेल जाना, परंतु बड़े भाई की सेवा से जी ना चुराना। उचित तो यही था कि तुम यहीं पे ठहर जाते और राजकार्यों में भारत का हाथ बटाते। अस्तु, यदि चलने का यही इरादा है तो अब देर करना बिल्कुल बेफायदा है। माताओं को अंतिम नमस्ते करो और जंगल के रास्ते बढ़ो।